का गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह एहतियातन कदम लगातार आ रहे त्योहारों और मुख्य तारीखों को देखते हुए उठाया गया है। 22 जनवरी को भी श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्मदिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और फिर 14 फरवरी को बसंत पंचमी है। वहीं 24 फरवरी को संत रविदास जयंती, 26 फरवरी को शबे बारात समेत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर भी शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रवीण, जिस तरह से गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है और कब से लागू हो जाएगी? जी आपको बता दें, गाजियाबाद में एक आदेश निर्देश जारी किया गया कि धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि गाजियाबाद में जैसे आगामी त्योहार है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या में और संत रविदास जयंती भी है, 26 जनवरी भी और अन्य त्योहार भी है, जिसको देखते हुए गाजियाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर भी है और सड़कों पर पुलिस दिखाई भी दे रही है। अभी फिलहाल में पुलिस ने सभी थानों में एक संगोष्ठी भी की थी, मीटिंग की थी सामाजिक लोगों से कि आने वाले त्योहार को सौहार्द से बनाए और आपस में मतभेद न रखे, जिसको देखते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, इसको लेकर पुलिस ज्यादा अलर्ट मोड पर है और आगामी जो त्योहार भी आने को भी है उनको भी लेकर पुलिस ने लगातार सड़कों पर लगातार पुलिस दिखाई दे रही है। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से सड़कों पर पुलिस की आप बात कर रहे हैं, धारा 144 को लेकर किस तरह से बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, क्या लोगों के आने जाने के रूट में भी परिवर्तन किया गया है? फिलहाल जो पुलिस ने जो चौराहे हैं, मुख्य चौराहे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि लोग किसी तरीके के कोई परेशानी ना हो, और उसको देखते हुए पुलिस, हमने जब देखा अभी हम पूरे शहर में घूमकर आए तो गाजियाबाद पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है और संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी कर रही है, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे, 22 जनवरी को आने को है और उस दिन प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या मंदिर से लेकर और त्योहार इसके बाद शुरू भी हो जाएंगे, संत रविदास जयंती हो या गुरु गोविंद सिंह जयंती हो, बसंत पंचमी भी है 26 जनवरी को, जो कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भी दिल्ली एनसीआर समेत सब बॉर्डरों पर भी सुरक्षा चेकिंग कर दी, सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई किसी तरह की कोई ऐप घटना ना घट सके। इसलिए धारा 144 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लागू किया गया है और कड़ाई से सब तरह का पालन किया गया। इस धारा 144 जब लागू होती है तो 5 लोग एक तरीके से कहीं खड़े भी नहीं हो सकते, दूसरे या किसी तरीके की जो विशेष रैली होती है, जैसे जाति की कोई रैली निकालता है, कोई धार्मिक रैली निकालता है, उसको लेकर भी गाजियाबाद प्रशासन से अब अनुमति मांगनी पड़ेगी। धारा 144 लगने के बाद गाजियाबाद प्रशासन को अब इसको लागू कराने में एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ऐसे में लोग देखे भी जाते हैं सड़कों पे, अब 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा भी है, अपना रैली भी निकालेंगे बिना परमिशन के भी, इसलिए पुलिस को भी चुनौती है। लेकिन पुलिस अभी सख्ती से लोगों से पालन कराने के लिए भी सड़कों पे खड़ी है, बैरिकेडिंग लगा रही है और संदिग्ध वाहनों की लगातार दिन में भी पुलिस चेकिंग करती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रवीण, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।